सुमन, ना सिद्धू ना अर्चना ना शेखर सुमन, 2010 का कॉमेडी किंग है एसीपी प्रद्युमन। सीआईडी के एसीपी प्रद्युमन आ गए हैं यहाँ प्रिया के खोए हुए पति और डॉगी को ढूंढने। प्लीज वेलकम सुनील एज एसीपी प्रद्युमन एंड प्रिया एज पत्नी। दया, तुम दाई और जाओ। अभिजीत इधर जाओ, तुम सुधर जाओ। मेरे साथ 10 लोगों की टीम होती है, कहाँ है सब लोग? अरे कोई बात नहीं, मैं अकेला काफी हूँ। तुम लोगों को शायद लगता होगा मैं ऐसा क्यों करता हूँ। पहले मैं डमरू बजाता था, अपने बारे में क्या बताऊँ। मैं जहाँ भी जाकर लोगों को टॉर्च दिखाता हूँ, लोग अपने आप टॉर्चर हो जाते हैं। यहाँ पर आया हूँ केस सॉल्व करने के लिए, इसे रख देता हूँ और घंटी बजाता हूँ, टंडन। ओहो बेल कह रही है टंडन, लगता है टंडन सबका घर है। टंडन टंडन, कौन है ये येड़ा जो नाइट का टाइम बेल बजाने में वेस्ट कर रहा है? क्या है एसीपी प्रद्युमन? अरे बाबा नहीं चाहिए, नहीं मांगता, आगे चल। नहीं मांगता नहीं चाहिए? अरे मैं कोई रावण फिल्म की डीवीडी हो जो सबको नहीं चाहिए? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है जल्दी बताओ, वैसे भी आजकल मेरे पास केस बहुत कम हो गए हैं। वो तो 40 के बाद एनीवेज कम आते हैं। तुम नहाने के बाद तेल नहीं लगाते क्या सर पे? अरे एडी मैं इस केस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस केस की बात कर रहा हूँ जिस केस के लिए तुमने फोन करके मुझे डिस्कस किया था। याद आया याद आया, वो क्या है ना, देखो ना मेरा जोनू बेबी स्वीटी पाए कुची कुकू कुत्ता खो गया है। कुत्ता खो गया है? और हाँ पति भी खो गया है। तो ये क्या तुम अगले एपिसोड में बताओगी? दोनों एक साथ ही खो गए? हाँ 5 मिनट की एक्ट में तुम दोनों को अलग अलग कैसे ढूंढते, इसलिए दोनों का साथ में ही खोना पड़ा। नाम क्या था? बबलू। वेरी गुड नेम, वेरी स्वीट नेम। और कुत्ते का नाम क्या था? ये कुत्ते का ही तो था, पति का नाम तो ब्राउनी रखी है मैं। तुम्हारा ये पति करता क्या था? कुछ नहीं, निकम्मा था, कुछ काम का नहीं था। मैं तो तंग आ गई अपने पति से, रोज रात को दारू, रोज रात को झगड़े। ओहो मैं तो ऐसे लोगों से बहुत नफरत करता हूँ जो दारू पी के अपनी बीवी के साथ झगड़ा करते हैं। लेकिन दारू तो मैं पीती थी। अरे बेवड़ी तू दारू पीती थी, तेरा पति तुझे रोकता नहीं था? वो रोकता था इसीलिए तो लफड़े होते थे, लेकिन कल दिया है खींच के। लेकिन वो सब छोड़ो ना, तुम ढूंढो ना। मेरे पेट पे हाथ रखे जरा, मुझे आराम करने दो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। हाँ मैं उसको हुलिया बताऊँ? हाँ हुलिया बताओ, जल्दी बताओ। टॉल डार्क हैंडसम कर्ली हेयर, बिल्कुल आप जैसे। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। और कुत्ते का होलिया? ये कुत्ते का ही था। अब पति का सुनो, हाइट 4'2". ये इतनी लंबी, पति इतना पतला, 4'2". मुझे लगता है अर्चना तुम्हारी तरह ये भी अपने पति को दबा के रखती है। एक मिनट, एक फोन आया, फिर एक फोन आया। बजा नहीं? ये सीआईडी का फोन है, कभी बजता नहीं है। ये सीएनजी फोन है। हेलो, एक लाश, एक लाश। नहीं नहीं, ये आदमी की लाश है। हाँ थैंक गॉड, मैं तो डरी गई थी, मुझे लगा कहीं मेरे बबलू को कुछ हो नहीं गया। जरा होल्ड पे रखना, मैं इसको चमाट मारता हूँ। वो लाश ने कुछ बताया क्या? लाश कुछ नहीं बोल रही, किस टाइप की सीआईडी हो तुम, चेक करो। अरे हो सकता है लाश गूंगी हो। मेरा पति भी गूंगा था। जरा होल्ड करना, पति गूंगा था? हाँ। तो फिर तुम्हारे साथ झगड़ा कैसे होता था उसका? बड़ा टैलेंटेड था, वो लिख लिख के गालियाँ देता था, मैं पढ़ पढ़ के भड़कती थी। बिल्कुल यहाँ के राइटर की तरह, जो लिख कर देते हैं हमें, यहाँ हम पढ़ते हैं और ये दोनों हम पे भड़कते हैं। लाश की जेब से क्या निकला? 10,000 रुपए? हराम जादो, मेरा हिस्सा मत भूलना, मैं आ रहा हूँ। बस मैं जा रहा हूँ, लाश को ढूंढ के लाऊंगा, ठीक है? ओ जीसस, ये क्या हो गया? रोहित से पता है, मैं अपने पति को बार बार कहती थी कहाँ मर गया कहाँ मर गया, आज पता चला वहाँ पे मर गया। बबलू, बबलू कहाँ गया था मेरे कुत्ते? आपकी दया दृष्टि इसी तरह बनाए रखा, थैंक यू सो मच।
दया दृष्टि, आई लव यू बबलू। दया की भी दृष्टि इसके ऊपर है। एक जमाने की औरतें थी जो अपने पति को GOD गॉड समझती थी, ये तो DOG डॉग समझती है। अब इन दोनों से पूछ लेते हैं ये हमें क्या समझते हैं। रोहित, क्या कहना चाहेंगे आप? जाओ, माफ किया। अर्चना, जब एक्ट की शुरुआत हुई तो आई वॉज सो हैप्पी कि प्रद्युमन सर आपने किया भी बहुत अच्छा। सुनील, यू डिड प्रद्युमन वेरी वेल, वो हाथ का वो करना और उनके जो कुछ मैनरिज्म्स वगैरह। प्रिया, आपके लिए मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि सुनील पाल जी बहुत वेटरन है और उनको बहुत होल्ड है स्टेज पर, उनकी उनकी प्रेजेंस बहुत है। आपको उनके लेवल पर आने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। बट इन ऑल, रोहित तो गिर ही रहे थे, इट वॉज अ फनी एक्ट।